बहुत बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर मैं फिर से नहीं, मतलब मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि अपनी जो फैमिली है वो 1 मिलियन कंप्लीट हो चुकी है, बहुत वक्त पहले हो चुकी थी, और हमेशा की तरह इस बार भी जो सपोर्ट है, जो हेल्प है, जो ब्लेसिंग्स है, वो आप सभी की है, माँ करनी की है, और थोड़ी बहुत मेहनत मेरी और मेरी टीम की है, बट मतलब बस थैंक यू सो मच। जय माँ करनी दी सा, जय माँ करनी। आप लोग देख रहे होंगे कि डेली के कुछ ना कुछ नया अपडेट, नया आर्टिकल आप सभी के लिए मैं लेकर आ रही हूँ, बहुत सारी नई चीजें, और अच्छी बात यह है कि वो आप सभी उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। मेरा हमेशा से, जब से मैंने काम स्टार्ट किया, मेरा हमेशा से मेन जो मोटिव था, जो इंटेंशन था, फर्स्ट ऑब्वियसली क्वालिटी को लेकर होता था कि मैं क्वालिटी आप लोगों को अच्छी दूं, बट उसके सिमिलर एक चीज और थी कि मैं हमेशा से अपना जो कल्चर है, कल्चर लाइक जो हमारा कल्चर है, जो उसको मैं आप सभी के सामने हमेशा से एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहती थी, एक अच्छे तरीके से लेके आना चाहती थी, और वो चीज मैं बखूबी कर रही हूँ। लाइक बहुत सी वीडियोस में मेरे सर पर एक एक साफा होता है, टर्बन, मतलब उसे भी आप लोग बहुत पसंद करते हैं, और मोस्टली राजस्थान के प्रिंट्स होते हैं, राजपूती सूट होते हैं, और अभी मेरा मेनली फोकस जो है वो बंदेज के अंदर है, और बहुत सी डिमांड होती है आप सभी की तरफ से कि भाई साहब राजस्थान का फेमस बंदेज है, तो बंदेज में आप मुझे कुछ बताइए, बंदेज में आप कुछ लेके आइए, तो उसी तरीके से मैं आप सबकी, और एक एक मतलब अभी तक के काम में सबसे अच्छी चीज मेरे साथ में ये हुई है, अभी तक का जो काम था, कल ही मैंने बंदेज के नए आर्टिकल्स लॉन्च किए थे, और टचवुड अभी तक वो आउट ऑफ स्टॉक है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, कि मतलब लाइक अभी तक 5 साल के बिजनेस में पहली बार ये चीज हुई है मेरे साथ में, कि कल इवनिंग के टाइम पे मैंने जो बंदेज, आपने आर्टिकल देखा होगा, बंदेज का एक बार एक आर्टिकल देना मेरे को, ये देना ग्रीन बंदेज, हल्के आउट ऑफ स्टॉक है ये वाला आर्टिकल आप लोगों ने कल वाले में मेरा देखा होगा, ये बारीक बंदेज के अंदर सूट है, राजपूती सूट है, इसका आप सलवार सूट भी स्टिच करवा सकते हैं, इसके साथ ये ओढ़ना है, ये सूट है। कल इवनिंग में मैंने इस आर्टिकल को लॉन्च किया था, और अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विदाउट किसी अदर प्लेटफॉर्म के, किसी अदर ऐप के, सिर्फ पर्सनली हमारी आप लोगों से बात होती है, और बहुत से कस्टमर्स से तो मेरी पर्सनली बात हो रही होती है ऑन इंस्टाग्राम, ऑन व्हाट्सअप, और बहुत सारे ऑर्डर्स तो इसमें मैं लेती हूँ अक्षिता से ज्यादा ऑर्डर तो सो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। और सबसे बड़ी बात यह कि मतलब आप लोगों ने जो ट्रस्ट मुझ पर बना रखा है, कन्नी फैशन पे जो ट्रस्ट आप लोगों ने बना रखा है, और कन्नी फैशन को मतलब नाम के द्वारा तो ये नाम बहुत बहुत आगे तक है, ऑलरेडी बहुत बड़ा है, वहां तक तो मैं तो पहुंच भी नहीं पाऊंगी, बट उसमें आप सभी का सपोर्ट बहुत ज्यादा था, बहुत अच्छा था। और मॉर्निंग में मैंने लहरिया लॉन्च किया है, लहरिया की न्यू डिजाइन मैंने लॉन्च की है, क्योंकि सावन आने वाला है और सावन में थोड़ा वक्त है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पार्सल पॉस्ट में भी बहुत टाइम लगता है, आप लोग उसको स्टिच करवाएंगे, आप लोग उसको स्टिच करा के पहनेंगे, बहुत सारी चीजें होती है सूट के अंदर, सूट सिलवाते हैं राजपूती सूट सिलवाते हैं जैसा होता है वैसा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि सावन से पहले ही आर्टिकल आप लोगों के पास पहुंचे, तो मेरे पास लहरिया के अंदर टोटल 8 जो है कलर आए हैं, और 8ों कलर बहुत बढ़िया है, तो सुबह मैंने इसको लॉन्च किया था, तो उसके एक बार जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बता देती हूँ कि ये लहरिया की नई डिजाइन आई है, ये ऑरेंज कलर है, ये रेड दिख रहा होगा इसमें, रेड भी है, टोटल 8 कलर आए हैं, ये लहरिया बहुत ही प्यारा ले रही है, कैम्ब्रिक कॉटन है ये, कॉटन की इस पे उड़नी आएगी और ये कॉटन का फैब्रिक आएगा, तो ये मैंने सुबह लॉन्च किया है, सुबह ये अपने पास में आया है स्टॉक के अंदर, तो ये आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल रिजनेबल रेट में मैं आर्टिकल्स ये आप सभी को दे रही हूँ, बट अभी देने का रीजन मैंने बताया यही है कि आप लोगों के पास टाइम से पहुंच जाए, आप लोग इसको टाइम से स्टिच करवा लें और टाइम से इसको पहन लें, तो उसके लिए सही होगा, तो ये भी आर्टिकल्स आप लोग देख सकते हैं, टोटल 8 कलर मेरे पास में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। ये थोड़ा सा मोटी धारी के अंदर लहरिया, इसमें पतली धारी का भी लहरिया मेरे पास में है, जो मैं बहुत पहले लॉन्च कर चुकी थी, बट इसमें 4 कलर मेरे पास में और आए हैं, और चारों बहुत अच्छे कलर है, तो ऑल ओवर मेरा कहने का जो रीजन है, मेरा जो कहने का मतलब है, मेरा जो कहने का मकसद है, वो यही है कि प्लीज अपना सपोर्ट, अपना प्यार इसी तरह मुझे बनाए रखें, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि कई बार मैं बहुत सी चीजें गलत कर देती हूँ, मतलब मुझे पता नहीं होता है,
तो उसमें मुझसे जो मतलब मेरे जो फैमिली कस्टमर्स हैं, आप में से ही वो कस्टमर्स हैं, तो मुझे बहुत बार वो डांट भी देते हैं, बोले रतन तुमने इस तरीके से कर दिया, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है कि आप मुझे मुझे अपना समझ के मुझे बहुत सी बातें कह देते हैं, मुझे बहुत सी बातें समझा देते हैं, और अगर मुझे डांट भी देते हैं ना तो मुझे मुझे अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी शॉप पे जाके अगर किसी को सुनाते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, तो वो अगला हो सकता है वो बुरा मान जाए कि हाँ मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा क्यों, मतलब मैं समझदार हूँ, मुझे क्यों समझा दिया। बट मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि जब आप शॉप पे भी काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स मेरे पास में आते हैं जो कि मुझे मेरे स्टाफ को काफ़ी कुछ समझा के जाते हैं, और हमें अच्छा लगता है कि हाँ वो यार हम लोगों को अपना समझते हैं, हम लोगों को अपना मानते हैं, तो हम इतना कुछ बता के जा रहे हैं, इतना कुछ समझा के जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का। और 1 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो आप सभी ने, आपके सामने सामने जीरो से स्टार्ट किया था अपन ने, जीरो से अपन ने ये चैनल स्टार्ट किया था, जीरो से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, और आज 1 मिलियन पे है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उस इस सफर में ना बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है, बहुत सी चीज़ें सुधरी भी है, बहुत कई चीज़ें बिगड़ी भी थी, सुधरी भी है, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के प्यार से। बस उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को लेकर लेकर शुक्रगुजार रहूंगी, आप लोगों को लेकर हमेशा तहे दिल से बिल्कुल ऐसे मतलब हमेशा ऐसे रहूंगी आप सभी को लेकर। तो जब आप लोग मुझे समझाते हैं, मुझे बताते भी है ना, तो मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि काम तो सभी कर रहे हैं, तो अपने मतलब लोगों को लगता है कि अगर मैं काम कर रही हूँ या मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर नॉलेज है, मुझे प्रॉपर पता है इस चीज़ के बारे में। बट नहीं, मुझे मैं हमेशा आप लोगों के सामने ऐसे रहूंगी कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता है, आप लोग मुझे जितना समझा सकते हैं, मुझे जितना बता सकते हैं, वो मैं उतना उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगी, उतना मैं उसको समझने की कोशिश करूंगी। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगी कि हमेशा बेस्ट करूँ, हमेशा बेस्ट। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत गालियाँ सुनी हैं, बट उससे मुझे अच्छा ही लगती है वो चीज़ कि हाँ ठीक है, अपन इसको सुधारेंगे, अगर कुछ गलती है तो अपन इसको सुधारेंगे, अपन इसमें और बेटर करेंगे, अपन इसमें और अच्छा लेके आएंगे। जय माँ करनी भी सारा, जय माँ करनी, सब लोग सब कुछ मावड़ी की दया से ही है, सब कुछ उन्हीं की मेहर है, सब कुछ वही कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथों है। कहते हैं मनुष्य का मानस तो सिर्फ कर्म करने के लिए होता है, हमें सिर्फ कर्म करना है, बाकी फल देने वाला तो भाई वो एक ही है, वो फल देने वाला। हम ऐसा सोचते हैं कि हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अगर कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ खोने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो लिए मतलब एक लिए जो बीच में वर्ड आ जाता है ना, वो उसको अपन को हटा देना चाहिए, उसको अपन को उसको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि वो डिसाइड करने वाला तो एक ही इंसान है और वो ऊपर वाला ही है। अगर हम ऐसे सोचते हैं ना कि इस इंसान ने गलत किया तो मुझे इसको सजा देनी है, या मुझे इसको गलत बोलना है, या मुझे इसके साथ गलत करना है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। हम किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, हम किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते, करने वाला ईश्वर होता है, करने वाला भगवान होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम सिर्फ कर्म करें, और कर्म भी मतलब अच्छा करें। अगर हमको सही लग रहा है ना कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, ये सही है, और ये किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, ये किसी को हार्म नहीं कर रहा है, ये किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है, तो वो सही है। जमा करनी दी सा, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, मैं हर चीज, मेरी मेरी आदत है, मुझे नोटिस, मैं मतलब साइलेंटली मैं सारी चीजें नोटिस करती हूँ, और ये मेरी स्टार्टिंग से हैबिट है। वह शायद बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये ध्यान ही नहीं देती है या फिर ऐसा कुछ, मतलब मैं मुझसे रिलेटेड बात कर रही हूँ, तो मुझे साइलेंटली चीज़ें नोटिस करना बहुत पसंद है, और अच्छी चीज़ें ये हमारे लिए भी। तो जैसे कुछ कमेंट्स मैं रीड करती हूँ, कुछ कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, तो उसमें वल्गर कमेंट्स होते हैं, उसमें भाइयात वो अपनी थिंकिंग दिखाते हैं, भाइयात बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे एक कॉमन कमेंट तो ये है, जैसे अभी मैं जैसे ये जो सूटों में काम कर रही हूँ, राजपूती सूटों के अंदर काम कर रही हूँ, उसमें कॉमन चीज़ है कुछ लोगों की कि अगर आप राजपूती सूट का काम कर रहे हैं तो आप इसे पहन के क्यों नहीं बता रहे हो। आप कॉमन सेंस की बात है, मेरे पास दिन के 1000 आर्टिकल आते हैं, मैं 1000 आर्टिकल पहन के बताऊंगी, फिर तो मैं इनको पहने ही रखूं सारे दिन। मतलब शर्ट्स में भी कॉमन प्रिंट्स होते हैं जो हमारे सेलेक्टेड होते हैं, जब हमारे पास में प्रिंट्स आते हैं, स्टिच होके आते हैं, तो उसमें कॉमन प्रिंट्स ऐसे होते हैं, सेलेक्टेड प्रिंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे वियर करने होते हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मैं पूरे आर्टिकल्स तो वियर कर ही नहीं सकती हूँ, पहन ही नहीं सकती हूँ इतने। तो मतलब अगर दिन के मेरे पास में 100 से 200 आर्टिकल्स मेरे पास में आ रहे हैं, तो मतलब उसमें से सेलेक्टेड है कि मुझे पहनने हैं,
तो मतलब इसका जरूरी नहीं है कि हम जिसका काम कर रहे हैं उसका हम मतलब ये एक एक कॉन्सेप्ट है हमारा, एक कॉन्सेप्ट है ये मेरा कि हम लोग इसे पहन के दिखाएं और पहन के करें। सीओडी अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास में, हम सीओडी में अभी फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। अब प्रीपेड पेमेंट होता है हमारा, सीओडी में अभी हमारा काम नहीं है। और अभी भी इतना इतना वक्त बीत चुका है, अभी भी बहुत मतलब बहुत से तो नहीं कहूंगी कि दिन के एक दो कस्टमर्स हमसे पूछ ही लेते हैं कि फ्रॉड तो नहीं होगा, तो उनके लिए मैं बैठी हूँ। अगर आप रियल आईडी पे जाते हैं, आप लोग रियल नंबर पे जाते हैं, तो वहाँ किसी तरह का आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। और ऑनलाइन लोगों ने बहुत सारे गलत चीजें फैला रखी है, बहुत से फ्रॉड्स भी मेरे पास में काफी स्क्रीनशॉट्स आते हैं अलग अलग आईडीज के, अलग अलग लोगों के मुझे बताते हैं, मेरे पास में आते हैं, इवन स्टोर तक मेरे पास में आते हैं। तो बुरा लगता है उन सारी चीजों को देखकर कि कैसे हम किसी के साथ में गलत कर सकते हैं, कैसे किसी के साथ में फ्रॉड कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हम अगर कमाई कर रहे हैं, आज मैं अगर यहाँ बैठ के कपड़े पहन के यहाँ डांस करके या फिर किसी भी तरीके से अगर काम कर रही हूँ, तो वो एक तरीका है मेरा काम करने का कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, वहां भी मेरी मेहनत लग रही है। तो अगर हम किसी की मेहनत की कमाई को ऐसे ही फ्रॉड करके लेंगे ना, तो हमने कोई काम नहीं आएगी, वो ऐसे ही जाएगी आपके, वो काम नहीं आएगी। तो एक मेरा ये भी है कि अगर हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन, और क्योंकि ऑनलाइन हर जगह है, ऑनलाइन भी हर हर कोई इंसान ऑनलाइन के अंदर है अभी, तो ऑनलाइन काम करे तो अच्छे तरीके से करे, किसी के साथ फ्रॉड करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ तृप्ति जी, चाय भेज दो आप। तृप्ति जी बोल रही चाय बना रही हूँ, पी लो, शर्म आनी चाहिए, बीच के अंदर चाय बना रहे हो। रतन जी आपने गोल्ड पहन रखा है क्या? हाँ मुझे शुरू से ना मतलब मुझे गोल्ड शुरू से पसंद है, जब छोटी सी थी ना, है जब छोटी सी थी ना, तो मुझे मेरे दादी सा मतलब माँ दिलाई थी ना मेरे को, कानों के अंदर मेरे दादी सा थे, मुझे मेरे दादी सा से बहुत प्यार है, उनसे बहुत लगाव है। तो मेरे दादी सा ने मुझे जब मैं छोटी सी थी, एक्चुअली हमारे क्या है मतलब मैं एक पर्टिकुलर कास्ट का नाम ले रही हूँ, राजपूतों के अंदर जो छोटी सी होती है ना भाई साहब, और उनके छोटी सी के कान भिना देते हैं, छिदा देते हैं ना कान ऐसे करके, तो छोटी सी के मेरे नाक भी मतलब नाक में भी छेद है ऐसा है, बट नाक में पहनती नहीं हूँ, तो छोटी सी को पहना दिए थे। तो मुझे शुरू से ऐसे हैबिट थी अंगूठियां पहनने की, गले में पहन के रखने का ऐसे कुछ, तो उस टाइम ना तो कोई और पहनाता था, मैं पहले क्या थी, मैं मतलब जेवड़ा ही डाल लेती थी गले के अंदर, हाथों के अंदर भी ऐसे ही कुछ भी पहन लिया, कुछ भी कर लिया, क्योंकि हैबिट थी, अच्छा हैबिट नहीं सॉरी आदत थी, अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे आप सभी ने इतना प्यार देना स्टार्ट किया, आप सभी तो ये सारी गिफ्टेड है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये आप सभी का ये है। कभी आप लोगों को लगे ना कि हाँ रतन हमारा वापस दे दो तो ले जाना, मैं दे दूंगी, तो ये आप सभी का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। जय माँ कंडीरी साहब, क्या तमीज से बात कर लीजिए इसके बोल। जय माँ कंडीरी साहब, बेबू ऐसे बोल रही, लाओ दो चार दे दो, या आपकी दीवी आपको ही दे दू, बेशरम, शर्म नहीं आ रही आपको? नहीं तो मेरे बेबू का नाम थोड़ा लिया था मैंने, से बोला था आप लोगों की, अब इनमें से जो भी आप है वो ले जा सकते हैं। तृप्ति जी बोल रहे लाओ मुझे भी दे दो, हाँ बढ़िया आपने दी थी 5-6 मेरे को। जमा करनी थी साहब, जमा करनी। हाँ तो अभी मैं किस रीजन से आई थी, मैं बता रही थी आप लोगों को कि लहरिया के अभी सूट आए, मैं लहरिया के सूट के आप लोगों को 8 कलर बताती हूँ, जो भी कलर आप लोगों को पसंद आता है उसका आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और मैं इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, और जब भी कोई भी चीज मेरे पास में से आउट ऑफ स्टॉक होती है ना, मुझे सच में बहुत खुशी होती है, और मैं खुश देखना अनीता मैम को, सारे के सारे आ गए, किसी के नहीं है। अनीता मैम तो मैं भी आप लोगों को लहरिया के सूट बता देती हूँ, बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गई, मैं भी कस्टमर सुन रहा है बाहर से, ठीक है मैं नंबर बता रही हूँ, इस तरह के आर्टिकल्स अपने पास में लहरिया के अंदर। मित्तल जी आप तो मांग सकते हो, आपने तो दी थी। मित्तल जी नहीं बोले ला, जबकि उन्होंने ही दी थी। ये लहरिया के सूट है, कब अच्छा यहाँ से पास में पड़ती वाला।
नंबर लिख लिया एक बार, 741-5225-7545। मैं चेक नहीं करता, आपका नंबर नहीं करती हूँ, तो देख लेती हूँ।